What is up, Kill family? क्या बोलते हैं? सभी का स्वागत है PR Kill Facts में। और भाई लोग, हमारे देश में ये क्या हो रहा है, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की टेंशन है। जैसे किसी को नौकरी की टेंशन, वैसे किसी को छोकरी की टेंशन, किसी को मोटापे की, तो किसी को अपने दुबलेपन की, कोई नए जूतों के लिए रो रहा है, तो किसी बेचारे को पैर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे अलग प्रकार की टेंशन है भाई। पर भाई लोग, रिसर्च कहती है कि हमारे देश में 60.4% लोगों को अपने बालों की टेंशन है। इंडिया में 40% मेंस के हेयर लॉस हो रहे हैं और 20% फीमेल्स के। फीमेल्स हेयर लॉस देख के डर जाती है और उनको ऐसे विचार आते हैं कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। और उसी के साथ मेंस में ये डर रहता है कि कोई लड़की मुझसे शादी करेगी या नहीं, क्या लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मुझे पीछे दौड़ कर टकला टकला अंकल बोलेंगे। ऐसे सभी लोगों को अलग अलग प्रकार के डर है, पर भाई लोग ये कॉमन है। और आज के इस वीडियो में अपन सभी लोग मिलकर देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हेयर फॉल एंड हाउ टू ट्रीट इट। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल एट होम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेयर फॉल के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें होता क्या है। तो टाइप नंबर 1, डिफ्यूज पैटर्न। इसमें सेंट्रल पोर्शन में बाल कम होते हैं। ऊपर से देखेंगे तो आपको ठीक से पता चलेगा कि सेंट्रल के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और कुछ कुछ केसेस में साइड से भी बाल गिरते हैं। इसको ग्रेड 1 बैल्डनेस और ग्रेड 2 बैल्डनेस भी बोलते हैं। अब आता है टाइप नंबर 2, एलोपेसिया एरेटा। इसको नॉर्मल भाषा में कीड़ा लगना भी बोलते हैं। ये उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनको थायराइड प्रॉब्लम होता है। इसमें एक पर्टिकुलर सर्कल के पैची शेप में बाल गिरते हैं और वापस भी आ जाते हैं। ये कभी एलोपेसिया टोटालिस और एलोपेसिया यूनिवर्सालिस में बदल जाते हैं। मतलब इंसान पूरा टकला हो जाता है, पूरे शरीर के बाल गिर जाते हैं। और ये ज्यादातर मेल्स में देखा जाता है और फीमेल्स में कम। अब आता है टाइप नंबर 3, जिसको बोलते हैं टेलोजन एफिवियम। इसमें जब आपकी तबीयत खराब होती है या मेंटल इलनेस होती है, मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और आप दुखी रहते हैं, तब आपके बाल टेलोजन फील्ड में एंटर हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट भाई लोग 3 महीने बाद देखने को मिलता है। जो महिला प्रेगनेंसी के इसमें होती है उनमें भी ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेलोजन एफिवियम। अब भाई लोग, अभी अपन कॉजेस को देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो मेंस में जब सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो जाता है, DHT मतलब डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है एट एज ऑफ 40 to 50, तब बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं और आगे का पैच गायब हो जाता है। पर ये फीमेल्स में अमाउंट बहुत कम होता है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। और भाई लोग, दूसरा कारण ये भी है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। विटामिन डी का बहुत ज़्यादा कम होना, फीमेल्स को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना, अच्छी डाइट ना होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हेयर कॉस्मेटिक्स, जेल, हार्म शैम्पू, डेंजरस केमिकल्स ऑन हेयर और बहुत ज़्यादा डर जाना बालों के गिरने के कारण। उससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आप लोगों को पता नहीं चलता। और आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है और आपके बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं। तो भाई लोग, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि PR Kill भैया करने का क्या, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं आज आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 10 स्टेप दूंगा जो आपके बालों का गिरना कम करेंगे। तो वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन से देखते रहो, एक पेन पेपर ले लो ताकि आप सारे स्टेप्स लिख सको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई लोग, स्टेप नंबर 1, वॉश योर हेयर एंड स्कैल्प विद शैम्पू। मैं आपको अच्छा शैम्पू रेकमेंड करता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर सकते हो। रेगुलर वॉश करने से आपके सर में जो डर्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं वो निकल जाएंगे और आपके बाल अच्छे रहेंगे। स्टेप नंबर 2, नहाने के पहले अपने सर पर कोकोनट ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करो, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और अच्छे हेयर ग्रो होंगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, अपने बालों की केयर करो भाई। अच्छा, हर महीने में एक हेयर कट लो, साफ रखो, जिससे बालों का हाइजीन मेंटेन होगा और गंजे नहीं होंगे। तो टेक केयर ऑफ योर हेयर्स। बारी है स्टेप नंबर 4 की, डोंट डू हेयर स्टाइल, कलर ब्लीचिंग, ब्लो ड्राइंग, जेल लगाना, टॉक्सिक केमिकल्स अपने बालों पर यूज करना, ऐसा प्लीज मत करो भाई। जो नेचुरल हेयर है उनको वैसे ही रखो, मेंटेन करो, ये गंजा होने से तो सबसे बेटर तरीका है। स्टेप नंबर 5, फास्ट फूड, जंक फूड, स्वीट्स, ऑयली फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पीते जाओ या बंद कर दो। ये आपकी बॉडी खराब कर रहे हैं और आपके बाल गिरना बंद नहीं होंगे।
तो भाई लोग अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है बाल गिरने की तो आज ही बंद करो। अब भाई लोग आता है हमारा स्टेप नंबर 6, कंट्रोल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे कि हमारा इंडियन फूड बेस्ट है भाई, चिकन खाओ, अंडे खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, पनीर खाओ, एक्सरसाइज करो, ये आपको हेल्दी बनाएंगे और आपके बाल बिल्कुल वॉर के ऋतिक रोशन की तरह। स्टेप नंबर 7, सही प्रकार से बालों को कंघी करो, उनको एक अच्छा पैटर्न दो, उसकी वजह से सारे बाल एक पैटर्न में रहेंगे और एक अच्छी कंघी से आपका स्कैल्प के ऊपर का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप बाय कर सकते हो। अब बारी आती है स्टेप नंबर 8 की। अगर आप बाइक से या स्कूटी से बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो अपने बालों को कवर करना चालू कर दो हेलमेट से। क्यों? क्योंकि अगर आप हेलमेट पहनोगे तो आप सेफ भी रहोगे और आपके बालों को विंड हीट पोल्यूशन से भी ये बचाएगा। अब आता है स्टेप नंबर 9, मेरे सारे बहनों के लिए, डोंट टाई योर हेयर टू टाइटली। बालों को कस के बांधने के कारण भी बाल टूटते हैं और हेयर लॉस होता है, तो ऐसा मत करो। और भाई लोग आखिरी स्टेप नंबर 10, कंसल्ट अ हेयर डॉक्टर जो आपकी जल्दी हेल्प कर सके। घर पर ही डॉक्टर मत बनो अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो, क्योंकि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता सकता है, जैसे मिनोक्सीब्ले, डर्मा रोलर, लो लेवल लेजर लाइट, मेसोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, PRP, ऐसे बहुत सारे हैं। तो डॉक्टर के पास जाके आओ, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी और ये सारे के सारे स्टेप्स भी फॉलो करो। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो देखकर अगर आप लोगों की हेल्प हुई होगी तो भाई लीव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो विद द नोटिफिकेशन बेल के साथ। और अगर आप लोगों को मामा अर्थ के हेयर प्रोडक्ट्स बाय करने के, तो मैंने सारी चीजों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, आप क्लिक करके बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, और मिलते हैं तब तक के लिए एवरीबॉडी, गुड बाय।